गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। आप सभी को ओबली प्रेप्स में स्वागत है। माय नेम इज़ आकांक्षा सिन्हा और हम यहाँ पे करंट अफेयर सेशन करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि 16 जून से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर से बन सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर देखेंगे जो कि एग्जाम स्पेसिफिक रहेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। और आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो आज की करंट अफेयर से बन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड बिजनेस फोरम विद इंडिया, यानी कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त रूप से भारत के साथ बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया, ये बताना है किसके साथ, भारत के साथ। तो अभी हाल ही में भारत के साथ किसने, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि किसने बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल या ऑप्शन डी है इसराइल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन बी किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ने भारत के साथ मिलकर अभी हाल ही में बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया है संयुक्त रूप से। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये किसने इनॉग्रेट किया है, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट, वहां के जो राष्ट्रपति है जीनबेकोव, उन्होंने, इन दोनों ने ही मिलकर इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया इस बिजनेस फोरम का। और ये बेसिकली ये इन दोनों देशों के बीच बिजनेस रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए, और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि किस देश के साथ भारत ने अभी बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया है, तो किर्गिस्तान के साथ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द इंडियन स्पेस वॉरफेयर एजेंसी विच रिसेंटली गॉट अप्रूवल टू बी सेट अप। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष युद्ध एजेंसी का हमें नाम बताना है जिसे अभी हाल ही में स्थापित करने की मंजूरी मिली है। यानी कि हमें किसका नाम बताना है, एक भारतीय अंतरिक्ष युद्ध एजेंसी का हमें नाम बता रहा है जिसका अभी हाल ही में स्थापना की मंजूरी मिली है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिफेंस स्पेस रिसर्च एसोसिएशन यानी DSRA, ऑप्शन बी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DSRO, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ऑप्शन डी है डिफेंस स्पेस गार्ड एजेंसी यानी कि DSGO। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। तो इसका नाम, इस भारतीय अंतरिक्ष युद्ध एजेंसी का क्या नाम रखा गया है, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRO, जिसे कि अभी हाल ही में स्थापना की मंजूरी मिल गई है। तो ये याद रखेंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया है, इसका क्या कार्य है, ये इसमें दिया गया है स्लाइड में। तो अंतरिक्ष युद्ध के लिए सशस्त्र बलों की क्षमता में सुधार के लिए परिष्कृत हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए, बेसिकली सारी जो प्रौद्योगिकियां हैं जो कि अंतरिक्ष युद्ध से जुड़ी हुई, उन्हें विकसित करने के लिए, उनमें उनकी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए, इसे डेवलप करने के लिए, इसे सेटअप करने के लिए ये DSRO को लाया गया है, ठीक है। और इसका क्या कार्य रहेगा, ये संगठन जो है ये भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए रक्षा अनुप्रयोगों को खोजने और लागू करने का भी इसका कार्य रहेगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली नेशनल लेवल पे, यानी कि हमारे भारत के लेवल पे ये सारे खोजना और सब कुछ होगा इसके अंतर्गत, ताकि जो है भारत, हमारा जो देश है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, उसकी पोजिशन और अच्छी हो। और ये जो संगठन है बेसिकली इस पर फोकस रहेगा, इसकी फोकस रहेगा भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के ऊपर, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस एजेंसी का ये जो नाम है हम लोग जरूर याद रखेंगे, क्या नाम है, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं पहले ही बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स।
यानी कि अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स के हालिया संस्करण में भारत का रैंक क्या है। अभी हाल ही में इसका एक नया संस्करण आया है, हमें इसमें बताना है कि इसमें जो रैंकिंग सामने आई है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स की, इसमें भारत की रैंकिंग हमें बताना है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 138, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 128 या ऑप्शन डी है 141। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 141। तो ये याद रखेंगे कि जो अभी हाल ही में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज किया गया है उसमें, उसके अंतर्गत भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है, 141वीं है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने से पहले कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस इंफॉर्मेशन से बन सकते हैं। तो क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द रीसेंट एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि GPI। ये सबसे पहली बात कि GPI इसका फुल फॉर्म हमें जरूर पता होना चाहिए, क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स से क्या है इसे भी अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें अभी आपको बताना है कि इसके हालिया संस्करण में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन सी आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है वो क्या है, वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में अभी हालिया जो संस्करण जो रिलीज हुआ है अभी हाल में उसमें वो देश, ये जो देश है ये फर्स्ट पोजिशन पे। और ये मैं बता दूं कि इस GPI इंडेक्स में यानी कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये जो आइसलैंड ये जो देश है ये 2008 से ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये लगातार इसी फर्स्ट पोजीशन पे ये टिका हुआ है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग जरूरी याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन से बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि विच कंट्री गॉट लोएस्ट रैंक इन द रीसेंट एडिशन ऑफ द GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के हालिया संस्करण में किस देश के सबसे कम रैंक मिली, कौन सा देश जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक पे है, ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है सीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अभी हालिया संस्करण में सबसे कम रैंकिंग पर है। और ये मैं बता दूं इससे पहले पोजीशन थी सीरिया की और अब जो है ये पोजीशन मिल गई अफगानिस्तान को। तो अब जो है लोएस्ट रैंकिंग के हिसाब से तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे लोएस्ट रैंकिंग है और सेकेंड लोएस्ट रैंकिंग जो है वो किसकी है, वो है सीरिया की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो GPI का ये जो एडिशन है जो प्रेजेंट किया गया है, संस्करण जो पेश किया गया वो है इस बार का 13वां संस्करण। तो 13वां संस्करण इस बार पेश किया गया है और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत शांतिपूर्ण स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों की रैंक दिया जाता है। यानी कि किसके स्तर पर, शांतिपूर्ण स्तर पर, शांतिपूर्ण ये जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत 163 स्वतंत्र राज्यों को और क्षेत्रों को इंडेक्स दिया जाता है, एक रैंकिंग दिया जाता है। और इसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसे प्रोड्यूस करता है IEP। IEP का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, क्या फुल फॉर्म है इसका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कौन, ये प्रोड्यूस करता है GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स। और ये याद रखेंगे कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है इसमें, इंडिया की पोजीशन रही है 141 और जो सबसे ज्यादा जो टॉप पोजीशन पे है वो कौन सा देश है, वो है आइसलैंड। और जो देश जो सबसे लोएस्ट रैंकिंग है वो कौन सा देश है, वो है अफगानिस्तान। तो ये जो रैंकिंग है ये हम लोग याद रखेंगे, खासकर जितनी भी रैंकिंग सामने है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है वो हमें जरूर पता होना चाहिए और कौन फर्स्ट पोजीशन पे और कौन लास्ट पोजीशन पे है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द रिसेंटली इशूड फीफा रैंकिंग, यानी कि अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है 58th, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 125th, ऑप्शन डी है 81। और हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना चाहिए कि ये पूछा गया है पुरुष के बारे में, यानी कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, महिला फुटबॉल टीम के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते क्या है, ऑप्शंस हमने देख लिए, अब करेक्ट ऑप्शन भी देख लेते क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 101। तो फीफा की जो रैंकिंग अभी हाल ही में जो जारी हुई है, और ये मैं बता दूं ये कल ही जारी हुई है 15 जून को, तो इस रैंकिंग के अनुसार 101वें पोजीशन पे है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। और ये मैं बता दूं विमेंस जो टीम यानी कि महिलाओं की जो फुटबॉल टीम है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम जो है उसमें जो भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, वो है 63rd।
तो ये याद रखेंगे हम लोग। अगर मेंस फुटबॉल टीम की बात कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, 101। लेकिन अगर विमेंस फुटबॉल टीम के बारे में बोलेंगे, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम, उसकी क्या रैंकिंग है, 63rd। ये हम लोग याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन इसी इन्फॉर्मेशन से बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि विच टीम टॉप्ड इन द रैंकिंग ऑफ मेंस फुटबॉल टीम इन द रिसेंटली इशूड फीफा रैंकिंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग में कौन सा टीम जो है वो शीर्ष पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। पहले ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है वो इस अभी हाल ही में जो जारी फीफा रैंकिंग है उसके अनुसार जो पुरुष फुटबॉल की टीम है उसमें बेल्जियम जो है वो पहले पोजीशन पे है। अगर विमेंस फुटबॉल टीम के बारे में बात करेंगे तो यूएसए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पुरुष की जगह महिला फुटबॉल टीम की रैंकिंग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, यूएसए है टॉप पोजीशन पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें कितने पॉइंट्स इंडिया को मिले, किसी पॉइंट के हिसाब से ही रैंकिंग होती है। तो इंडिया को इस बार 1219 पॉइंट्स मिले हैं, जिसके अनुसार वो जो है इंडिया जो है वो 101वें पोजीशन पे है। और ये जो पोजीशन है ये अभी जो 4 अप्रैल, इससे पहले जो अभी इशू हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को भी इंडिया की यही पोजीशन थी और अभी भी यही पोजीशन है। और इंडिया की जो टीम है उसमें एशियन कंट्रीज में, यानी कि जो एशियाई देश है उसमें जो भारतीय टीम है उसमें भारतीय टीम की रैंकिंग है 18वीं। तो 18वें स्थान पर है भारतीय टीम एशियाई देशों में, ये भी हम लोग याद रखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस दिस ईयर, यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कारगिल विजय दिवस इस वर्ष जो है वो कब है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जून 17 से 20, ऑप्शन बी है अगस्त 15 से 18, ऑप्शन सी है जुलाई 25 से 27, ऑप्शन डी है जनवरी 26 से 29। तो अभी इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो रिलीज हो गई है, तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जुलाई 25 से 27। तो 25 से 27 जुलाई जो है उसे कारगिल विजय दिवस के साथ ये मनाया जा रहा है। ये 3 दिवस तक, मतलब 3 दिनों तक ये कारगिल विजय दिवस जो है ये मनाया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इस बार जो है ये इसकी 20वीं एनिवर्सरी यानी कि 20वीं वर्षगांठ है इस कारगिल वॉर की, जिसे ओरिजिनली जो है वो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। और ये पॉपुलर है, ये किस नाम से मशहूर है, ये कारगिल वॉर के नाम से मशहूर है। और याद रखेंगे ये इस बार इसकी 20वीं वर्षगांठ है। और ये जो वर्षगांठ है, 20वीं वर्षगांठ जो है इसका, इस बार का विषय क्या है, इस बार का इसका विषय है रिमेंबर रिजॉयस एंड रिन्यू, यानी कि याद रखिए आनंद और नवीनीकृत, ये इस बार का इसका विषय है। ये हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, हमें जरूर पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मर बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 ली चोंगवी has announced his retirement, he belongs to which country, यानी ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्व बैडमिंटन दुनिया के नंबर 1 ली चोंग वी ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस देश से है, यानी कि अभी अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये हमें बताना है कि ये किस देश से हैं। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी मलेशिया। तो ये कहाँ से हैं, ये है मलेशिया से। तो मलेशिया के ये प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि ये कहाँ से हैं, ये है मलेशिया से। तो अभी हाल ही में कुछ नई चीज़ें अगर किसी भी प्लेयर से रिलेटेड भी हो, जो वर्ल्ड के प्लेयर्स हो, तो वो भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू TRA रिसर्च विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन 2019, यानी कि TRA रिसर्च के अनुसार 2019 में कौन सी कंपनी है जो भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है LIC, ऑप्शन बी है डेल, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है जीप। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी डेल। तो डेल जो है वो अभी 2019 में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड के नाम से ये अभी उभरी है। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सिर्फ 31% के ब्रांड
ट्रस्ट इंडेक्स, BTI का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, क्या है? ब्रांड ट्रस्ट इंडेक्स। तो सिर्फ ये जो डेल कंपनी है और जीप कंपनी है, इन दोनों के बीच सिर्फ 31% का डिफरेंस है। और ये मैं बता दूँ, डेल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और जो जीप है ये सेकंड पे है, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है LIC, और फोर्थ पे है अमेजन कंपनी, और इसके बाद जो फिफ्थ पोजीशन पे है वो है एप्पल आईफोन। तो इसी के साथ ये पोजीशंस हैं, जो ये यहाँ के किस चीज़ के पोजीशंस हैं, ये है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, यानी कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद ब्रांड के नाम से ये जो रैंकिंग है ये दी गई है। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और आज का करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं तक था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।